हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एक्सपेरिमेंटेशन टेबल के बारे में, और एंड तक अगर आप बने रहते हो तो लास्ट में हम देने वाले हैं दो बोनस टिप्स जिसके मदद से आप एक बार भी बिना फेल किए एक्सपेरिमेंटेशन टेबल को कर सकते हो। और हम ये भी बताने वाले हैं कि कैसे आप फास्टली अपना एनचैंटिंग स्किल्स को बढ़ा सकते हो। तो बने रहे इस वीडियो में, लेट्स बिगिन द वीडियो। ओके, सो सबसे पहले हम लोग बनाना पड़ेगा एक्सपेरिमेंटेशन टेबल, और उसको बनाने के लिए हम लोग को सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कि हम लोग को चाहिए एनचैंटिंग स्किल 10। सो एनचैंटिंग स्किल अगर 10 है हम लोग के पास, तभी जाके हम लोग का रेसिपी अनलॉक होता है, जैसे कि आप लोग को दिख रहा है एक्सपेरिमेंटेशन टेबल का रेसिपी अनलॉक होता है। तो इसके लिए हम लोग को एक नॉर्मल जो एक्सपीरियंस बॉटल है वो चाहिए, एंड हम लोग को बस 8 ओक वुड चाहिए जिसको हम लोग ऐसे प्लेस कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, और बीच में हम लोग एक्सपेरिमेंटेशन वही एक्सपीरियंस बॉटल रख सकते हैं जिससे कि हम लोग का एक्सपेरिमेंटेशन टेबल क्राफ्ट हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, एक बार आप इसको क्राफ्ट कर लेते हैं तो हम लोग इसको प्लेस कर सकते हैं अपना प्राइवेट आइलैंड में। तो चलिए हम लोग चलते हैं और प्लेस करते हैं अपना प्राइवेट आइलैंड में। सो ये रहा मेरा एक्सपेरिमेंटेशन टेबल मेरे हाथ में। सो इसको हम लोग राइट क्लिक करके अपने आइलैंड में प्लेस कर सकते हैं इस तरह से, और ये है हम लोग का एक्सपेरिमेंटेशन टेबल। सो हम लोग एक एक्सपेरिमेंटेशन एक बार में हम लोग टेबल प्लेस कर सकते हैं अपना आइलैंड में। अगर हम लोग दूसरा प्लेस करने जाएंगे तो वो प्लेस नहीं होगा। सो मेक श्योर कि आप एक ही प्लेस करें अपना आइलैंड में। जैसे आप एक्सपेरिमेंटेशन टेबल को आप खोलते हो राइट क्लिक करके, आपको नज़र आता है 3 गेम्स। ये हम लोग का पहला गेम क्रोनोमेट्रॉन, देन अल्ट्रा सिक्वेंशर, एंड देन सुपर पेयर्स। इन तीनों गेम के बारे में एक एक करके हम लोग अभी बात करने वाले हैं और इनका सारा डिटेल हम लोग देखने वाले हैं। सो जो सबसे पहला गेम है हम लोग का, विच इज़ क्रोनोमेट्रॉन। सो इसमें आपको 5 लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो ये सब आपका अनलॉक्ड नहीं रहेगा, ये सारा लॉक्ड रहेगा। सो ये 5 लेवल्स हैं, पहला आपका अनलॉक्ड रहेगा। जैसे जैसे आप करते रहते हो वैसे वैसे आपका ये सब अनलॉक होता रहेगा। अब इसमें करना क्या है हम अभी करके दिखा देंगे, लेकिन सबसे पहले हर लेवल्स का कुछ कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो आपको फुलफ़िल करना पड़ेगा। जैसे कि अगर पहला लेवल आपको करना है तो आपके पास होना चाहिए एनचैंटिंग लेवल 20। एनचैंटिंग स्किल का बात नहीं कर रहे हैं, एनचैंटिंग एक्सपी का बात कर रहे हैं, जो कि आपको नीचे यहाँ पे आपको जो देखने को मिलता है, जैसे कि मेरा अभी 95 है, तो हम अभी ये मैक्स लेवल जो है ये हम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मेरे को चाहिए एनचैंटिंग 40। ठीक है, और ये जो क्लिक्स यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे डिटेल में। अभी हम लोग जान लेते हैं कि जितना मैक्स आपका अनलॉक्ड है वो करिए, और वही आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपी आपको प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, सो अगर आपका पहला अनलॉक्ड है तो वो करें, फिर धीरे धीरे करके आप एक एक करके कर सकते हो। और ये जो 5th लेवल वाला गेम है ना, मेटाफिजिकल एक्सपेरिमेंट, ये आपको सबसे ज़्यादा एक्सपी देगा ये 5ों में से। सो जो मैक्सिमम एक्सपी आप इसमें से ले सकते हो दैट इज़ 90K एक्सपी, उससे ज़्यादा आप नहीं जा सकते। और 90K एक्सपी आप ले सकते हो 15 लेवल क्रॉस करने पे। आप जाने का तो इसमें जा सकते हो 49 लेवल तक, लेकिन अगर आप 15 लेवल तक जाते हो तो आपको मैक्स एक्सपी 90K का मिल जाएगा, उसके बाद जाके आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं है। सो एक बार हम इसको करके दिखा दे रहे कि कैसे करना है, एंड बाद में हम इसको बताएंगे कि हम क्या क्या यूज़ किए हैं टू मेक इट ईजी। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस गेम को एक बार देख लेते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपको ये पैटर्न दिख जाता है। सो आपको बस फॉलो करना है जिस पैटर्न में ये ब्लिंक होता है, जस्ट उसको फॉलो करना है। और जैसे कि अभी हम लोग 3rd लेवल पे, सिमिलरली हम लोग को करना है 15th लेवल तक। 15th लेवल करने के बाद हम लोग एलिजिबल होंगे मैक्स्ड एक्सपी के लिए, हम लोग को मैक्स्ड एक्सपी मिल जाएगा विच इज़ 90K एक्सपी। ठीक है, सो एक बार हम इसको कर लेते हैं आराम से। और ये पहले वाले लेवल्स में आपको इतने सारे ब्लॉक्स नज़र नहीं आएंगे, कम रहेंगे। तो ये फाइनल ब्लॉक में आपको सिमिलर काइंड ऑफ ग्रिड देखने को मिलेगा। सो कोई डिफरेंस नहीं है, आपको गेम प्ले वैसे ही करना है, बस जो कलर ब्लिंक होगा जो पैटर्न में, आपको वो पैटर्न बस फॉलो करना है वो कलर को मैच करते हुए इस तरह से। ठीक है, ऐसे ही आपको जाना है 15th लेवल तक। 49th लेवल तक जाके कोई फ़ायदा नहीं है, वो बहुत टाइम लेगा और इसका रिवॉर्ड आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। मैक्स 15th लेवल यू विल गेट 90K एक्सपी, जो कि मैक्सिमम है, इससे आप इतना ही ले सकते हैं। सो अभी हम लोग
अभी 15th लेवल पे है, तो ये हम लोग का लास्ट लेवल होने वाला है। इसके बाद हम लोग दिखाते हैं कैसे हम लोग को 90K XP मिलने वाला है, जो कि मैक्स्ड है। चलिए इस लेवल को हम लोग कर लेते हैं। सो 15th लेवल हम लोग का हो चुका है, हम लोग को आगे प्रोसीड करने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग एस्केप दबाएंगे और हम लोग इसको डन करेंगे। रिवॉर्ड में हम लोग को मिल चुका है 90K एन्चेंटिंग XP और 3 सुपर पैर क्लिक्स। सुपर पैर क्लिक्स के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग को जो मैक्स्ड XP मिलना था हम लोग को, इससे हम लोग को 90K एन्चेंटिंग XP मिल चुका है। सो हम लोग क्लिक करके इसको क्लेम कर सकते हैं। सो ये हम लोग को मिल चुका है और पेट पे भी हम लोग का XP जा चुका है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा एन्चेंटिंग XP मैक्स्ड है, तो मेरे को इसका XP चाहिए नहीं, इसलिए हम गार्डियन पेट यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसके बारे में भी हम लोग एंड में बात करने वाले हैं। सो अभी हम लोग देखते हैं दूसरा गेम को। दूसरा गेम हम लोग का होने वाला है अल्ट्रा सिक्वेंशियर। इसमें हम लोग को देखने को मिलेगा 3 पैर, तीनों पैर सिमिलरली। पहला पैर आपका अनलॉक्ड रहेगा, दूसरा लॉक्ड रहेगा। जैसे जैसे आप करते रहते हो अब ये अनलॉक होता रहेगा, जिसका ग्रिड साइज आपका बढ़ता रहेगा। 7x3 है, 4x7x4 है, 9x4 है। सो जो मैक्सिमम वाला है वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। सो जो भी आपका मैक्स अनलॉक्ड है उसको खेला करिए, आपको ज़्यादा XP मिलेगा। और इसमें भी सेम हम लोग को रिक्वायरमेंट है एन्चेंटिंग 40, मतलब 40 हम लोग के पास XP होना चाहिए, ठीक है। 40 XP हम लोग को इस पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा टू प्ले दिस गेम। और मैक्सिमम हम लोग को इस पर 140K XP मिल सकता है, 20 प्लस अगर हम लोग इसका स्टेजेस पार करें तो। चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे करते हैं। जैसे कि दिख रहा है हम लोग का 9x4 का ग्रिड है ये, और 9x4 का ग्रिड में हम लोग को मिल जाता है 36 ब्लॉक्स। सो हम लोग को 36 लेवल तक हम लोग इसमें जा सकते हैं, मगर उतना जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग को सिर्फ 20th लेवल तक जाना है। 20th लेवल में हम लोग को मैक्स 140K XP जो है वो हम लोग को मिल जाता है। तो सिमिलरली आपको ये सीक्वेंस में फॉलो करना रहता है, 1 2 3 4 5 6, इस पैटर्न में आपको बस ब्लॉक्स को क्लिक करके फॉलो करना रहता है। सो अभी हम लोग का मैक्स जो नंबर है हम लोग का चल रहा है 7। सो ये हम लोग का 7th लेवल है। सो जैसे ही 20 वाला ब्लॉक आता है हम लोग का, तो वो 20th लेवल होगा। बस हम लोग को वहीं पे रुक जाना है ताकि हम लोग को अपना मैक्स्ड XP मिल जाए। चलिए एक बार हम लोग 20 तक चलते हैं और फिर हम लोग दिखाते हैं क्या क्या रिवॉर्ड हम लोग को मिलता है। आपको ये करते करते ये भी ध्यान रखना होगा कि नीचे टाइमर चलता रहता है। अभी हम लोग है 18th लेवल पे, सो हम लोग को सेम पैटर्न में ही क्लिक करना है। अगर हम लोग आगे पीछे पैटर्न को करते हैं या फिर मिस क्लिक होता है हम लोग का, तो फिर ये हम लोग का फेल हो जाएगा। मगर एंड तक रुके रहिए, क्योंकि हम एक ट्रिक बताने वाले हैं जिससे कि आपका ये स्टेजेस कभी फेल नहीं होने वाला है, चाहे आप मिस क्लिक करो या फिर कोई भी गलत सीक्वेंस में आप क्लिक करो। तो 19th लेवल हम लोग का हो चुका है, ये हम लोग का लास्ट लेवल, दिस इज़ द 20th लेवल। अब इतना हम लोग कर लेंगे और हम लोग को मैक्स XP मिल जाएगा, विच इज़ 140K XP। तो चलिए इसको कर लेते हैं, 11 12 13 14 15 16 19 20 एंड वी आर डन। सो एस्केप दबाते हैं और हम लोग को मिल चुका है 140K एन्चेंटिंग XP एंड 3 सुपर पेयर क्लिक्स, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। सो हम लोग को मिल चुका है 20th, बस हम लोग को करना है पहले वाले में 15 करना है और क्लिक करके हम लोग क्लेम कर लेते हैं, ठीक है। अब आता है हम लोग का आखिरी गेम, विच इज़ सुपर पेयर्स। अब ये गेम में हम लोग को देखने को मिलता है 6 लेवल्स। सिमिलरली इसका भी वही कॉन्सेप्ट है, एक एक करके आप अगर करते रहते हो तो ये आपका अनलॉक होता रहता है लेवल्स। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है, जो आपका मैक्सिमम अनलॉक्ड है वही आप खेलिए, उसी में आपको बेनिफिट मिलने वाला है। सो इसमें आपको कुछ ग्रिड साइज़ दिया जाएगा, हर लेवल का अपना अपना ग्रिड साइज़ है। जैसे 7x2 5x4, हम लोग का जैसे मैक्स वाला 7x4 है। सो इसमें हम लोग को 7x4 का एक ग्रिड मिलेगा, जिसमें हम लोग को दो पेयर्स दो ब्लॉक को क्लिक करना पड़ेगा और उसको मैच करना पड़ेगा, तभी हम लोग वो आइटम को ले सकते हैं। अभी शायद आप लोग को समझ नहीं आया होगा, बट 7x4 मतलब हम लोग के पास 28 ब्लॉक्स होगा। सो हम लोग को 14 पेयर बना के 14 का 14 आइटम क्लेम करना है, जिसमें से रिवॉर्ड्स में हम लोग को मिल सकता है एक्सपेरिमेंटेशन बुक, एन्चेंटिंग XP, एक्सपेरिमेंट द फिश,
एंड हम लोग को मिल सकता है एक्सपीरियंस बॉटल्स। सो ये चार चीज़ें हम लोग को रिवॉर्ड मिलेंगे। इसके अलावा और दो पर्क है जो हम लोग को इसमें से मिल सकता है, हम लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम लोग को जानना है कि 28 ब्लॉक्स है और हम लोग को 14 पेयर मैच कराना है, जो कि पॉसिबल है, बट इसके लिए हम लोग को कुछ क्लिक्स ही मिलेगा। सो ऐसा नहीं है कि 28 है तो हम लोग बस क्लिक करते रहे और पैर जैसे तैसे बना ले। इसमें हम लोग को लिमिटेड क्लिक्स ही मिलेगा। अगर आप लोग देखोगे पहले वाले में हम लोग को डिफ़ॉल्ट क्लिक सिर्फ 10 मिल रहा है, इसमें 12, 14, 16 और इसमें 12। सो सिर्फ 12 क्लिक्स हर लेवल पे, मतलब लास्ट लेवल पे हम लोग बात कर लेते हैं, लास्ट लेवल में हम लोग को 12 क्लिक्स मिल रहा है। प्लस अगर आप लोग को याद होगा लास्ट के दो गेम में हम लोग +3 +3 सुपर क्लिक्स हम लोग रिवॉर्ड में मिला था। सो +6 हम लोग का क्लिक्स उसमें से आ जाएगा। और ख़ास बात ये है लास्ट लेवल का, ये जो हम लोग का 6th लेवल है, इसका ख़ास बात ये है जो आप पहले के गेम से क्लिक्स अर्न किए होंगे ना, वो हो जाता है डबल। सो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें से हम लोग को मिलता है 12 क्लिक्स और जो हम लोग 6 क्लिक्स अर्न किए थे पहले रिवॉर्ड से, वो हो जाता है डबल। सो 6 हम लोग का बन जाएगा 12 और पहले का डिफ़ॉल्ट 12, तो हम लोग के पास आ जाता है 24 क्लिक्स। ये ऑफ़र सिर्फ, ये जो डबल वाला सिस्टम है ये सिर्फ लास्ट वाले स्टेज पे, इसका पहले ऐसा कुछ नहीं है। आप जो अर्न किए होंगे 6, आपको 6 क्लिक्स मिलेगा और इसका जो डिफ़ॉल्ट क्लिक है 16 क्लिक्स हो जाएगा आपका 22 क्लिक्स। इसमें डबल होके हम लोग को मिल जाता है 24 क्लिक्स। अब बचा हुआ 4 हम लोग को ब्लॉक्स कैसे करें, हर एक क्लिक पे अगर पेयर कर भी लेते हैं तो हम लोग 24 ब्लॉक्स ही एक्सप्लोर कर पाएंगे, ठीक है। सो और बाकी का क्लिक्स कहाँ से आएगा, और 4 क्लिक्स। सो इसके लिए हम लोग के पास आता है पर्क। इसमें हम लोग को जो 4 चीज़ें मिलते हैं, इन चारों के अलावा 2 और चीज़ हम लोग को इसमें से मिलता है, विच इज़ 2 पर्क हैं। एक है इंस्टा फाइंड और एक है +2 या 3 क्लिक्स, मतलब कुछ क्लिक्स आपका इसमें ऐड ऑन हो जाएगा। तो ये सारे चीज़ आपको इसमें देखने को मिलेगा। एक बार हम खेल के दिखाते हैं तो आपको अच्छा से पता चलेगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं इसको। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले हम लोग अगर इस पे एंटर करना चाहते हैं तो इसका रिक्वायरमेंट है हम लोग का 350 XP लेवल्स। तो हम लोग के पास 350 लेवल्स होना चाहिए। ये एंड वाला लेवल का है, इसका पहले 200 100। सो एंड वाले के लिए 350 XP लेवल्स हम लोग को चाहिए। सो और मैक्स अगर हम लोग इसमें से देखा जाए तो हम लोग सिर्फ गेन कर सकते हैं 600K XP अगर हम लोग एंचेंटिंग XP को मिलाए ना, जो आइटम हम लोग को ब्लॉक को पेयर करने पे मिलेगा उसको छोड़ के हम लोग इसमें से 600K XP तो लेके जा ही रहे। अगर हम लोग सारा क्लिक्स यूज़ कर लेते हैं तो 600K XP तो हम लोग का पक्का है। बाकी जो जो आइटम हम लोग पेयर कर पाएंगे वो हम लोग को तो मिलने ही वाला है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास सिर्फ 55 XP है। सो इसीलिए हम इस काम के लिए हम टाइटेनिक XP बॉटल रखे रहते हैं। तो चलिए हम लोग ले लेते हैं अपना बॉटल, एंड 375 XP हो चुका है, इतना काफ़ी है। सो एक बार चलते हैं। अच्छा, ये वाला है हम लोग का एंड 350 XP। सो करते हैं। सो इस तरह का आपको दिख जाएगा ग्रिड और ऐसे करके आपको पेयर करना पड़ेगा। जैसे 94 एंचेंडिंग XP मिला है, अब मेरे को 94 एंचेंडिंग XP दूसरा वाला खोलना पड़ेगा ताकि हम इसको पेयर कर पाए। तो धीरे धीरे एक एक रो हम लोग करके पहले एक्सप्लोर करते हैं कौन कौन सा ब्लॉक में क्या है, उसके बाद हम लोग मैच करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अभी हम इसको खोलें, मेरे को पता था प्रीवियस वाला में एक ग्रैंड XP बॉटल है, तो उसको क्लिक करके हम इसको पेयर कर दिए तो ये हम क्लेम कर चुके हैं। सो अब ये मेरे को मिल जाएगा। सो सिमिलरली हम लोग को ऐसे देखना है कि सिमिलर ब्लॉक्स कैसे एक्सपेरिमेंट द फिश। फालतू है, इसको ना ही ले तो बेटर है। जो जो आपको पता है फालतू सामान है उसको क्लिक ना करो तो बेटर है। जैसे कि अब मेरे को ग्रोथ 6 मिल चुका है, 7 मिलियन के अराउंड ये बुक जा रहा है। सो अब मेरे को इसका दूसरा पेयर खोजना पड़ेगा। चलिए, एक 94K XP हम लोग को मिल चुका है, 85K मिल चुका है, हम लोग को चाहिए 142K XP मिल चुका है, ये हम लोग को चाहिए। ये 7K अराउंड हम लोग का प्रॉफिट हो जाएगा अगर वो मिल जाता है तो। फिलहाल अभी तक आई थिंक ये मिस होने वाला हम लोग से, ये तो मिस होने वाला है आई एम श्योर। और बैड लक। ओके, वी गेन्ड +3 क्लिक्स, इसी चीज़ का हम बात कर रहे थे, +3 क्लिक्स हम लोग को मिल चुका है इसमें से। ओके, इंस्टा फाइंड भी हम लोग को मिल चुका है। सो ये लक देख रहे हो, +1 इंस्टा फाइंड से ये होगा ना, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो, अब आप किसी पे भी क्लिक करोगे ना, ये इसका जो सेकंड वाला क्लेम आपका
एक्सप्लोर कर देगा। ये देखो, ये डायरेक्टली एक ही क्लिक पे आपको ये वाला मिल चुका है। सो इसी का हम बात कर रहे थे। सो वी गॉट इट एंड अब हम लोग को मिल चुका है। सो क्लिक्स यूज्ड किया हम लोग 26, पहले हम लोग के पास 24 था, प्लस 3 हम लोग को मिला एक इंस्टा फाइंड से, फिर वी डिड इट। सो हम लोग को ये रिवॉर्ड मिला 600K XP, 321K XP हम लोग 600K तो हम लोग को फिक्स्ड मिलने वाला था, क्योंकि लास्ट वाला लेवल जैसे ही आप खेलते हो तो आपको 600K तो पक्का है। बाकी 321K XP हम लोग उसमें से पेयर करके क्लेम किए हैं, एक ग्रैंड XP बॉटल किए और ग्रोथ 6 हम लोग को मिल चुका है। सो जो जो मिला है वो अभी मिल चुका है। सो ग्रोथ 6 मिल चुका है, 7 मिलियन के अराउंड प्रॉफिट हो चुका है। सो ये मनी मेकिंग के लिए भी काम आता है, ठीक है। अब एक और चीज़, अगर आपके पास XP का कमी नहीं है, मतलब आपका मैक्स्ड हो चुका है एन्चेंटिंग XP एंड आपको XP नहीं चाहिए, तो क्या कर सकते हो? इसमें हम लोग पहले कितना क्लिक्स कर रहे थे, इसमें हम लोग 15 लेवल तक जा रहे थे, इसमें हम लोग 20 लेवल तक जा रहे थे। सो ये हम लोग को मैक्स्ड XP दिलवा देता है 15 पे, ये 20 पे मैक्स XP दिलवा देता है। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ XP हम लोग को चाहिए नहीं, सिर्फ हम लोग को इसका मैक्स्ड क्लिक्स चाहिए, सो प्लस 3 क्लिक्स हम लोग को लेने के लिए सिर्फ इसको हम लोग को 12 लेवल तक करना पड़ेगा, और इसको हम लोग को करना पड़ेगा 9 लेवल तक। लेकिन अगर आपको XP चाहिए तो इस पे 20 करिए, इसमें 15 करिए, इसमें 20 करिए। सो ये सीन है, अगर सिर्फ क्लिक्स चाहिए तो आपको कम करना पड़ेगा एंड देन यू कैन यूज़ इट। ओके, सो ये सारा जो गेम्स है ये आप कर सकते हो डेली आप कर सकते हो इसको फ्री में, और 3 times और आप एक्स्ट्रा कर सकते हो, लेकिन उसके लिए कुछ कॉस्ट देना पड़ेगा। जैसे कि पहला बार अगर आप इसको रिन्यू करते हो, इसमें आपको कॉस्ट लग जाएगा 100 XP levels और 150 bits, मतलब दोनों आपको करना पड़ेगा। फिर अगर आप दूसरे बार इसको रिन्यू करते हैं तो आपको लग जाएगा 200 XP और 300 bits, और फिर आप तीसरा बार अगर आप इसको रिन्यू करते हैं तो आपको लग जाएगा 400 XP और 500 bits। तो ये 3 बार ही आप रिन्यू कर पाओगे और 1 बार आपको फ्री मिलेगा, जो आपको डेली फ्री वाला एटलीस्ट करना चाहिए। इसमें आपको XP मिलता है और यू कैन गेट सम एक्सपेंसिव बुक्स, तो ये करना ज़रूर है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप डायरेक्टली सुपर पेयर को नहीं खेल सकते, आपको 1x1 करके पहले इसको करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसको खेल सकते हो। इसको कर लोगे तो उसके बाद ही आप सुपर पेयर कर सकते हैं। सो आपको ये सीक्वेंस में ही जाना है, पहले ये फिर ये फिर ये, तभी आप कर पाओगे, क्योंकि इन दोनों में से आपको क्लिक्स मिलता है और वो क्लिक्स आप यहाँ पे यूज़ करते हो। सो ये है एक चीज़। फिर यस, बोनस टिप्स टाइम। सो जो दो ट्रिक बताने वाले थे एक्सपेरिमेंटेशन टेबल से रिलेटेड, इसके लिए हम यूज़ करते हैं NU mod/NU। इसमें एक फीचर है एन्चेंटिंग का, इसमें अगर आप आ जाओ एन्चेंटिंग सॉल्वर, इसमें सारा ऑन कर लो, इसमें आपको हाईलाइट कर देता है कि कौन सा सीक्वेंस में है, कौन सा ब्लॉक में कौन सा आइटम था, तो कि आप इजीली पेयर बना सकते हो, वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो इसमें आपको सॉल्वर देखने को मिलता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है प्रिवेंट मिसक्लिक, ये वाला चीज़ आपको अपने रिस्क पे यूज़ करना है, क्योंकि ये आपको मिसक्लिक करने से बचाता है। अगर आप गलती से इधर उधर क्लिक भी कर दो ना, वो फेल नहीं होता है, वो आपको वो एक्चुअली रजिस्टर ही नहीं करता है। जब तक कि आप सही ब्लॉक पे क्लिक नहीं करते हो तब तक वो रजिस्टर नहीं करता है। तो ये चीज़ हम यूज़ करते हैं और अभी तक कुछ भी ऐसा हुआ नहीं है, बट स्टिल यूज़ इट एट योर ओन रिस्क। और यही एक ट्रिक है जिससे आज तक हम एक भी फेल नहीं किए हैं ये एक्सपेरिमेंटेशन XP। सो ये यूज़ कर सकता है। और अगर आप जा रहे हो XP के लिए, मैक्स्ड XP के लिए, तो आई विल सजेस्ट गेट अ पेट नोन एज गार्डियन पेट, मिथिक गार्डियन पेट ले लो, क्योंकि इसका पर्क अगर आप देखो यहाँ पे तो इट गिव्स +30 enchanting XP। सो आपको 30 enchanting XP एक्स्ट्रा मिल जाता है गार्डियन पेट का हेल्प से। अगर आप इसको इक्विप करते हो और एक्सपेरिमेंटेशन टेबल करते हो तो आपका एन्चेंटिंग XP काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। सो इसको यूज़ करके करो। और अगर आप बुक्स के लिए भी जा रहे हो, अगर सिर्फ सुपर पेयर्स करने जा रहे हो, XP नहीं चाहिए, स्टिल गार्डियन XP को इक्विप करो, क्योंकि इसका अगर आप लास्ट वाला पर्क पढ़ोगे, गेन्स +7% चांस टू फाइंड अल्ट्रा रेयर बुक्स इन सुपर पेयर, विच मीन्स कि ये आपको टीयर 7 बुक्स भी दिलवा सकता है, जिसका चांस सिर्फ 1% है।
सो ये 7% और चांसेस इंक्रीज कर देगा। तो गार्डियन पेट इज़ मस्ट अगर आप एक्सपी के लिए जा रहे हो, एनचैंटिंग एक्सपी के लिए, या फिर आप बुक्स के लिए जा रहे हो। सो गार्डियन एक्सपी पेट ले लो, ज़रूरी है। तीसरे चीज़ के लिए भी लोग इसको यूज़ करते हैं, अपना पेट एक्सपी बढ़ाने के लिए। जैसे अभी मेरा गोल्डन ड्रैगन पेट 192 लेवल पे है, हम इसको लेवलअप कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एनचैंटिंग एक्सपी की मदद से। सो जो पेट आपको लेवलअप करना है वो पेट इक्विप करो और एनचैंटिंग एक्सपी करो, इसका जो एक्सपी आपको मिलता है वो आपका पेट में भी जाता है। सो ये आप कर सकते हो। आई थिंक इतना ही इस वीडियो के लिए, और लास्ट टाइम जाते आते हम बता देते हैं कि जो जितना बार हम इसको करने बोले एक्सपी के लिए, जैसे हम कुछ पर्टिकुलर लेवल क्रॉस करने बोले और क्लिक्स के लिए भी कुछ पर्टिकुलर लेवल हम क्रॉस करने बोले, सो वो सारा चीज़ आपका हर स्टेजेस पे लागू होता है। जैसे कि कोई भी आपका लेवल अगर अनलॉक्ड है उस पर भी सेम क्लिक्स ही आपको करना है, ताकि आपको मैक्स क्लिक्स या फिर मैक्स एक्सपी मिल पाए। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो हेल्प किया होगा। कोई भी डाउट्स होगा कमेंट्स में बताना, और इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में छोड़ देंगे, अगर कुछ डाउट होगा तो वहाँ जाके एक बार चेकआउट कर लो, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में हम ये भी मेंशन कर देंगे कि कितना आपको लेवल्स क्रॉस करना पड़ेगा एक्सपी के लिए और मैक्स्ड क्लिक्स पाने के लिए, तो ताकि आसान हो, इजीली आप रेफ़र कर पाओ। सो आई थिंक ये वीडियो हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।